छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में भी लाखों श्रद्धालु छठ मैया का व्रत रख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत हो रही है, यमुना की गंदगी और छठ घाटों पर बद इंतजामी को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यमुना जहरीली, कैसे लगाएंगे डुबकी? पानी पे जो चल रहा है अमोनिया से मिला, ये जहर है। छठ महापर्व आया, साथ परेशानियां लाया। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब से थोड़ा फ्री हो जाएं, उत्तरांचल से थोड़ा फ्री हो जाएं, तो यहाँ पर पूर्वांचल के भाई बहन जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया उनकी चिंता करें। दिल्ली में नहीं इंतजाम, कैसे चलेगा काम? हमारे पूर्वांचल में कोई जिम्मेदार नहीं है, न प्रवेश जिम्मेदार है, न मोदी सरकार जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है केजरीवाल जिम्मेदार। ये यमुना है, वही यमुना जो दिल्ली में बहती है, और ये तस्वीरें भी दिल्ली की ही हैं। यमुना में तैर रहा है जहरीला झाग, जिसकी वजह से न सिर्फ राजधानी में जल संकट बना हुआ है, बल्कि आस्था के पर्व छठ के स्नान पर भी आफत मंडरा रही है। झाग फोम की पानी पे जो चल रहा है अमोनिया से मिला, ये जहर है। जहरीले झाग के बीच ही छठ पूजा करने वाली महिलाएं स्नान ध्यान करती नजर आईं, लेकिन घाटों पर जमा गंदगी, बदबूदार गंदी यमुना नदी और पूजा के बंदोबस्त ना होने पर केजरीवाल सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। बीजेपी सांसद आज यहाँ आए हैं, वो सफाई को लेकर आगे हुए हैं। अब लगता है आपको इसके बाद शायद केजरीवाल सरकार जागे? हो सकता है, अगर उसकी अकल खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, इससे बढ़िया क्या है। यमुना में गंदगी वजीराबाद से शुरू होती है, इसके बाद कालिंदी कुंज पर पहुँचते यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदी बन जाती है, और ये झाग भी वजीराबाद से ही शुरू होकर कालिंदी कुंज तक पहुंच रहा है। नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है और इस जहरीली यमुना में डुबकी लगाने से गंभीर बीमारियों का भी खतरा है। पूर्वांचल के रहने वाले आम आदमी को, भले ही वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, सबको ये हक मिला छठ पूजा का आयोजन करवा सके अपने मोहल्लों में। तो आज दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में 800 से ज्यादा घाट बना के पूजा बड़े दिव्य और बड़े भव्य तरीके से दिल्ली सरकार करा रही है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।